श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंद अथ त्रयोविंशोध्याय शिशुमार चक्र का वर्णन। श्री शुक उवाच अथ तस्मात् परतस्त्रयो दशलक्षयोजनान्तरतो यत्तद्विष्णो परमं परमभिवदन्ति यत्रह महाभागवतो ध्रुव औत्तानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुगभिः समहुमानम दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रदीनां निमेषेणाव्यक्तरं हंसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवावष्टम्भ ईश्वरेण विहितः शश्वदवभासते यदा मेढ़ीस्तंभ आक्रमण पशवः संयोजिता स्त्रीभिस्त्रिभिः सवनैर्यथा स्थानममण्डलानि चरत्येवं भगणाग्रहादय एतस्मिन्नन्त बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुव मेवावलंब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचत् क्रमन्ति नभसि यथा मेघः श्यनादयो वायु वशः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणः प्रकृति पुरुष संयोगानुग्रहितः कर्म निर्मित गतयो भुवि न पतन्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन सप्तर्षियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है, इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि इंद्र प्रजापति कश्यप और धर्म ये सब एक साथ अत्यंत आदरपूर्वक इनकी प्रतीक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोक इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले चौथे स्कंध में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सबके आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खूंदने वाले पशु छोटी बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांध कर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस कालचक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। केचन ज्योतिरनीकं शिशुमार संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणाया मनोवर्णयन्ति यस्य पुच्छाग्रे वाक्षिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्य लांगुले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता च कट्यां सप्तर्षयः तस्य दक्षिणावर्त कुंडलीभूत शरीरस्य यान्युद गयनानि दक्षिण पार्श्वे तु नक्षत्रयान्युप कल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये यथा शिशुमारस्य
कुंडला भोग सन्निवेशस्य पार्श्वयोरु भयोरप्यवयवः समसंख्या भवन्ति। पृष्ठे त्वज वीथि गंगा आकाश गंगा चोदरतः। पुनर्वसु पुष्यो दक्षिणा वामयोः श्रोण्योरार्द्राश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोरभि जिदुत्तरा साढ़े दक्षिणवामयोर्नासिकयोर्यथासंख्यं श्रवणपूर्वा साढ़े दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठा मूलं च दक्षिणवायमयोः कर्णयोर्म घादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्ववं कृशुः युञ्जीत। तथैव मृगशीर्षादिन्यूद गयनानि दक्षिणपार्श्ववं कृशु प्रतिलोम्येन प्रयुज्जीत। सतभिषा ज्येष्ठे स्कन्धयोर्दक्षिणवामयोर्न्य सेत। उत्तराहनावगस्तीरधाहनो यमो मुखेषु चांगारक शनेश्चर उपस्थे बृहस्पति ककुदी वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चंद्रो नाभ्यामुष्णा स्तनयोरश्विनो बुधो प्राणप्रपानयो राहुर्गले केतवः सर्वांगेषु रोमसु सर्वे तारागणः। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार सूंस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए हैं और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति अग्नि इंद्र और धर्म हैं। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटी प्रदेश में सप्तर्षि है। यह शिशुमार दाहिनी ओर सिकुड़कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वे इसके दाहिने भाग में और पुष्य से लेकर उत्तर आषाढ़ा पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं वे उसके बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजवीथि मूढ़ उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है और उधर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटी तटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा और अश्लेषा नक्षत्र है तथा दाहिने और बाएं नथुनों में क्रमशः अभिजीत और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में हैं। सद्भिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसके ऊपर की थूथनी में अगस्त्य, नीचे की थोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, ककुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोम में संपूर्ण तारागण स्थित है। एतदु हेव भगवतो विष्णु सर्वदेवतामयम रूप महरह संध्यायाम प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय नाया निमिषाम पतये महापुरुषाया भिदीमहिति ग्रहरक्षता रामय माधिदेविकं पापामहं मंत्रकृतां त्रिकालं नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं नश्येत तत्कालज माशु पापम। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए
चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करना चाहिए। संपूर्ण ज्योति गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह नक्षत्रों और ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप में प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः मध्यान्ह और सायं तीनों काल उनके इस आदि दैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम पंचम स्कंधे शिशुमार संस्था वर्णन नाम त्रयोविंशोऽध्याये संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।